गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं कावे घर आया हुआ हूँ। तो गाइस ना मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, आप सुन के लास्ट में देंगे ना। हाँ ये सही है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आगे मत बताइएगा गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा और आपके लिए खुशी वाला सरप्राइज है। यस गाइस, हमारी कैमरामैन काव्य ने कैमरा किया, इसको बहुत पसंद है कैमरा पकड़ना। हाय गाइस, तो इसका भी चैनल है आर्ट विद काव्य, उसमें भी वो शायद दे सकती है, शायद ये अपने आर्ट विद काव्य वाले चैनल में भी डाल सकती है वो सरप्राइज। पर मैं इसे मना कर दूंगा डालने की, क्योंकि वो मेरे ही चैनल में सरप्राइज। गाइस आपको पता है अभी मम्मी मुझको बुला रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, बाबू ऐसे पर्दा हटा के आ रही थी, मैंने उसको वो कर दिया, वो बहुत हंसी जोर से। तो आपको मैंने थोड़ा मान्या से भी जरा, हाँ देखिए मान्या से आप मिल लीजिए गाइस। ये काव्या उसके पीछे बंदर के जैसे पीछे पड़ी हुई है। मान्या यार मम्मी को मत दिखाइएगा। अच्छा ठीक है, तो गाइस तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वो सरप्राइज ये शायद लास्ट में मिलेगा या फिर उसी दिन मिल पाएगा। चलो लास्ट में दे दे काव्या सरप्राइज, लास्ट में ही दे देते दे। वैसे भी ये लोग एंड तक नहीं देखते ना। हाँ और वीडियो आगे नहीं बनाना है, कसम खाइए वीडियो आगे नहीं बनाएंगे। अरे यार क्या क्या बोल, बाबू आ गई, आ गई बाबू करते हुए भागी। देखो बाबू भी कृष्णा बनी थी एक बार, तो इसलिए उसके पास बांसुरी है। ये रही गाइस बाबू, तो काव्या एक बार कैमरा पकड़ना। हेलो बाबू, देखिए गाइस ये वो वाली बांसुरी है जो फिर बाबू कृष्णा बनी थी ना जन्माष्टमी में उसकी। अभी फाइनली बाबू को उतरना आ गया है और पापा ने मंदिर की डायरेक्शन चेंज कर दी, तो बाबू इस पर आराम से चढ़ जाएगी। देखिए भैया भी बांसुरी बजा रहे थे, आती नहीं है। और वो गुब्बारे पे सो रही है लड़की, इसको ना इन लोगों की ना पार्टी हुई थी ना, इसको मारेंगे जन्माष्टमी के दिन पे ना इन लोगों की पार्टी थी। मैंने बता दिया था ना गाइस आप लोगों को। अरे यार मेरे चैनल पे जाके मेरा सारा वीडियो देखिए, किसी वीडियो में तो मैंने बताया था, शायद से बताया हो यार मुझे नहीं। लाइक भी करना है और डिसलाइक एक भी नहीं, किसी के भी वीडियो पे प्लीज आप डिसलाइक मत करिए, मुझको बहुत बुरा लगता है, चाहे वो किसी का भी वीडियो हो, भैया का, मेरा या फिर किसी का भी। चलो भाई आप काव्या की बात मान लेना। तो सौरभ जोशी व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करिएगा, वैसे हमारा तो नहीं है कोई वो रिश्तेदार, लेकिन मेरा फेवरेट है वो भी, इसका नहीं है, मेरा फेवरेट है यार, बेस्ट व्लॉगर दुनिया का। तो गाइस अब उनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सौरभ जोशी भैया को देख सकते हैं यार, यहाँ पे निकलने के लिए ऐसे ही रास्ता है गाइस, देख सकते हैं। गाइस ये मेरा बगान है, आप देख सकते हैं सब पानी डाला है अभी अभी, इसलिए थोड़ा सा कीचड़ है। शांत रहो यार, सब लोग सो रहे होंगे। तो गाइस लॉर्ड बहुत निकली है, गुस्सा ही नहीं हो रहा है गाइस। तो गाइस आपको पता है मैं कल भी काव्या के आए, तो काव्या मेरे यहाँ ना एक दिन ना रुकी थी मेरे घर पे, तो कल मैं जब भी ना काव्या को लेने आया ना, तो एक स्क्वायरल ने इसका यहाँ पे जमीन खाली है ना, जहाँ पे सारे ना पेड़ पौधे लगे हुए, तो वहाँ से ना एक पता नहीं किसे स्क्वायरल आ गई और हम लोगों को देखने लगी। तो काव्या ना, हाँ इधर आ जाइए ना रूम में। तो गाइस थोड़ी सी डांट पड़ गई, कोई बात नहीं। तो गाइस तो वही स्क्वायरल आई थी, काव्या ने उसको ना चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी, काव्या गुस्सा हो गई यहाँ पे, इसलिए उछल के वो देने खाना यहाँ पे सीधे घुसी, हम लोग ना देखने गए थे छूने गए, वहाँ थी वहाँ पे मैंने चुट्टा फेंका था, तो फिर ऐसे तार पे लटक के आ गई, लेकिन फिर ना यहाँ इस तार पे आ गई, तो फिर मैंने उसको इस साड़ी से ना इस साड़ी से ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो फिर वो ना चढ़ के हमारे मिट्टी में गाड़ी हिलाने लगी वो। हाँ। कितना, क्योंकि मिट्टी में अपना गोना छुपने गई थी, फिर बाद में गाइस वो मुझको वो भूत खड़ी हो गया मुझको वो, बाद में इस तार से होके सीधा भाग गई साइड में, काव्या ना चिढ़ाने लगी थी उसको, गुस्सा हो गई थी, चिढ़ भी जाती है। गाइस आपको पता है यहाँ पे बाबू पता नहीं कहाँ से चुपचाप ऐसे ऐसे करके आए, और मुझको लगा कौन सा भूत खड़ा। अरे काव्या खूनी मंडे देखती है वो, भूतिया नहीं होता है जो कहानी भूतिया, रियल रियल कभी कभी। तो देखिए अभी वो उधर गई, ये अभी मैं आपको माँ से मिलाती हूँ, ये रही माँ, ये बड़ी मम्मी और ये बाबू, तीनों लोग गप्पे मार रहे हैं, ये रहे।
देखिए अभी वो धप्पा करेगी मुझे, चले धप्पा करे, मुझे ढूंढो, ये देखिए ढूंढ लिया इसने। उसको बांसुरी बहुत पसंद है बजाना। भैया उसको बांसुरी दे दीजिए, एक मिनट। कावल जिसको हम लोग माँ बोल रहे थे गाइस, वो हमारी दादी माँ है। हाँ हम लोग ऐसे माँ भी बोलते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे माँ भी बोलते हैं, तो वो हमारी दादी माँ ने दी गई वैसे, इसी की बांसुरी है। देखिए वो भी बजाने का कोशिश कर रहा है, पता उसको पता है कि कैसे बजाते हैं। गाइस चुपचाप आप बगान देखते हैं, ये बलून फेंकी है बाबू, सारा उधर से उधर तक बगान है। ये कपड़े सूख गए कुछ, आज धूप निकला ना, बहुत दिन बारिश हो रही थी। आठवीं काव्या चैनल को आप देख रहे हैं तो फिर वो मेरा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। एक मिनट काव्या, मुझे कैमरा भेजना यार, हम लोग मिलजुल के शूटिंग करते हैं, एक दूसरे का शूटिंग मिलजुल। ओके कुछ ज्यादा ही नहीं, 6 मिनट की वीडियो हो गई है। हाँ कोई बात नहीं यार, जितना बड़ा होगा उतना ही मजा आएगा। देखिए कितना धूप हो गई, अरे आज तो दिल्ली में यार कुछ ज्यादा ही धूप निकली है। कुछ दिनों से कृष्ण भगवान इतना ज्यादा खुश हो रहे थे ना कि बारिश बारिश हो गई थी, पूरा हमारा गली पानी से भर गया। काव्या जो डांस की थी ना उसके एक्शंस दिखा रही है, देख सकते हैं दादाजी, दादाजी हैं काव्या की मम्मी, बड़ी मम्मी, तो उसके एक्शंस दिखा रही है, नकली डांस करती हो। तो कुछ दिनों से ना कृष्ण भगवान ने ना इतना बारिश किया कि हम लोग की क्लास ही दिक्कत थी। अब इतने दिनों बाद ना शनि भगवान को ज़्यादा ही गुस्सा हो गया है, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही धूप निकला दी है, देख सकते हैं पूरा धूपन धूप हो गया दिल्ली। तो गाइस मैं दिल्ली में रहता हूँ, काव्या भी दिल्ली में ही है, उत्तम नगर में है। हाँ उत्तम पूरा बता दिया, थोड़ी हाँ ये बात सही, हाँ ये सही है, उत्तम नगर बड़ा कौन ढूंढेगा पूरा। तो गाइस मुझे डर लगता है सारा, जैसे भैया कैसे ढूंढ लेते हैं, जब तुमने कुछ बताया नहीं, बस ये बताया हरियाणा में हूँ, सब लोग ढूंढ रहे हैं, पागल हो किसी से नाच रही है कब, पागल ही फेवरेट है। तो गाइस हम ज़्यादा अब सरप्राइज बता दे रही हूँ मैं, अभी नहीं, अभी अभी भी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है। तो गाइस हम यहीं पे इतना ज़्यादा क्यों घूम रहे हैं आप सोच रहे होंगे, क्योंकि ना दादाजी ना काव्या के पापा, बड़े पापा मेरे, वो दोनों सोए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे ना उन्हीं का रूम है। तो अभी आपने देखा डांट पड़ी थी हमें, बड़े पापा ने डांट दिया। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ, एक मिनट कुछ भूल रहा हूँ मैं, हाँ हाँ कि कभी बताने सरप्राइज, मैं बताता हूँ। अच्छा मैं कैमरा कर देती हूँ, दोनों मिल के बताते हैं। तो गाइस ये इस छोरी का बर्थडे आने वाला है। अरे मुझको पता है, अरे छोरी मत बोलिए, उन लोगों को पता नहीं ना चलेगा। हाँ बताइए गाइस, इस छोरी का बर्थडे आने वाला है, यानी कि मेरा। काव्या तो आर्ट विद काव्या को प्लीज ज्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं अपने बर्थडे पे सोच रही हूँ कि 1 मिलियन का केक ही कटवा लूं। नहीं 1 मिलियन नहीं, मतलब 27 भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसी का केक कटा लूँ। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, बर्थडे का केक कटा लूँ। तो गाइस तो यही, तो ना आपको ना इसका बर्थडे, गाइस आपको मुझे अगर गिफ्ट देना है ना, तो मेरे वो वीडियो पे ज़्यादा व्यूज देखिए, आर्ट विद काव्या चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, थैंक यू। गाइस आप ना काव्या का बर्थडे का मैं डेट बता, वो भी आई, हेलो काव्या के बर्थडे का मैं डेट बता देता हूँ, 11 सितंबर ना काव्या जन्म हुई थी, 11 सितंबर 2012 और मैं जन्म हुआ था 5 मई 2012। हम दोनों का एक ही है, बस मंथ का थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा बहुत। हाँ तो इसलिए काव्या भी 9 साल की हो जाएगी, मैं भी 9 साल का हूँ अब, आंख नहीं दिख रहा आपका। हाँ अच्छा अच्छा, आंख ही का। हाँ तो गाइज काव्या की हंसी के साथ हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू, बाय गाइज, बाय, हैव अ नाइस डे। मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड, बाय।